हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गिलकी काटने का तरीका। इसके लिए हम गिलकी लेंगे और इसे इस तरह से काटेंगे। हर बार क्या होता है, हम जब गिलकी छीलते हैं तो उसमें हमारे गिलकी की सब्ज़ी में गिलकी के जो छिलके होते हैं वो भी आ जाते हैं और उसे टेस्ट भी कर देते हैं। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, गिलकी को सीधा लेंगे। सबसे पहले एक नाइफ़ लेंगे, नाइफ़ को गिलकी के ऊपर से रखेंगे और जिस तरह से हम प्याज को छीलते हैं इस तरह से हम इसका पूरा छिलका उतार लेंगे। इससे क्या होगा, जो गिलकी की सब्ज़ी बनेगी उसमें छिलके का स्वाद नहीं आएगा और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, हम इस तरह से इस गिलकी का पूरा छिलका हटा लेंगे। तो ये हम इस गिलकी का छिलका हटा रहे हैं, ये एक बार पूरी गिलकी का छिलका जड़ से हटाएंगे ताकि हमें क्या होगा, सब्ज़ी जो बनेगी वो बहुत स्वादिष्ट बनेगी और इसमें छिलके का स्वाद नहीं आएगा, वरना हर बार गिलकी और लौकी जैसी सब्ज़ी में रह जाता है। ये देखिए, हमने गिलकी को पूरा छील लिया, हमारी गिलकी छिल गई है, अब हम इसे काटेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी छिली हुई गिलकी, अब हम इसे काटेंगे। गिलकी काटने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका जो है, हम इसे इस तरह से गोल गोल करके स्लाइसेस काट लेंगे। तो ये हमारी गिलकी जो है ये गोल गोल कट जाएगी। ये हमारा हो गया गिलकी काटने का पहला तरीका। तो ये हमारे जो पहले तरीके की गिलकी है उसमें ये स्लाइसेस हमने गोल गोल काटे हैं, ये हमारी गिलकी के गोल पीसेस तैयार है। एक तरीका और होता है गिलकी काटने का, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये गिलकी लेंगे, उसे बीच में से यहाँ पे से दो भागों में काट देंगे। हमने काट लिए और फिर इसके बाद हम इसके स्लाइसेस काटेंगे, ये देखिए। और इसमें भी आप एक एक करके अगर काटते हैं इस तरह से तो ये आपको देर लगेगी, पर अगर आप दोनों को एक साथ काट लेंगे तो जल्दी कट जाएगी। तो ये हमारे होते हैं तिकोने गिलकी के टुकड़े और वो थे हमारे गोल गिलकी के टुकड़े। तो इसमें क्या होता है, कम गिलकी भी आपको ज़्यादा लगती है और उससे सब्ज़ी आप ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये हैं दो तरीके गिलकी काटने के, इस तरह का और इस तरह के, आप दो तरह से गिलकी काट सकते हैं।